तो ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट कलर और बहुत ही ज़्यादा थिक सैंडविच चटनी की रेसिपी। आमतौर पर चटनी जो है वो पानी छोड़ देती है, बट इस तरह से अगर आप मुंबई स्टाइल सैंडविच चटनी बनाएंगे तो कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी और सैंडविच गीला नहीं होगा। तो आइए झटपट से ये सैंडविच चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच चटनी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, ये लगभग 100 ग्राम धनिया है, अच्छे से साफ करके धो लिया है। और साथ में लिया है पुदीना, जितना धनिया है उसे आधा पुदीना है, यानी कि 50 ग्राम के करीब पुदीने की पत्तियाँ हैं, इनको भी अच्छे तरीके से धो करके साफ कर लिया है। साथ में यहाँ नींबू लिए हैं, नींबू का रस डालेंगे। उसी के साथ में लिए हैं यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च ली है हमने यहाँ पर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा है, इससे ये सैंडविच चटनी में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, काला नमक लिया है यहाँ पर मैंने, ये हम आधा छोटा चम्मच के करीब डालेंगे और थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर सैंडविच चटनी में कुछ जगह पर मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, भुनी हुई मूंगफली का, और कुछ जगह पर इस तरह से कोई भी नमकीन, सेव या गाठिया यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर गाठिया था आज घर पर, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच गाठिया है। तो आइए झटपट से चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे पुदीने की पत्तियाँ, इसी के साथ हम इसमें धनिया डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, 4 हरी मिर्च, गाठिया या नमकीन, कोई भी नमकीन हो, बारीक मोटी किसी भी तरह की आप ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली ये पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए चटनी बहुत अच्छी बनती है। आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच प्लेन नमक, यानी 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, इससे चटनी काली नहीं पड़ती, तो आप नींबू ऐड करें, अदरवाइज अगर आपके पास ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इसी बर्फ, इससे चटनी एक तो काली नहीं पड़ेगी और काफी अच्छी पिस करके रेडी होती है। इसी का जार जो है पीसते हुए गर्म हो जाता है, जब हम बर्फ डालते हैं तो चटनी गर्म नहीं होती, जिससे कि कलर चेंज नहीं होता। तो आइए झटपट से इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी रेडी है, इतना बढ़िया कलर आया है, मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ, किस तरह की गाढ़ी गाढ़ी चटनी बनी है, और कलर भी आप देख सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसी तरह की सैंडविच चटनी चाहिए थी, इसे बाउल में निकाल लेंगे। सैंडविच चटनी बनकर के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खाना मन पसंद को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।